मैकेनिक्स का पढ़ाना है। तो मैकेनिक्स का कुछ लॉ बताया जाए, पैरेललोग्राम लॉ। कब पढ़ाए थे आप, परसों लिए थे क्या? पैरेललोग्राम लॉ बताया था मैंने, कुछ समझ में आया था। अच्छा कुछ कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या। ठीक है चलो, स्क्रीन विजिबल है, देन वी कैन देखो। इसमें वी कैन जो बेसिक है वो हम लोग को रिलेट करना है, यही फंडामेंटल जो है वो। तो खैर फंडामेंटल सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं है, मैकेनिक्स का सिंपली है जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हो। इसमें बहुत सारा टर्म जो है कि हो सकता है कुछ टर्म ऐसा हो जो रिलेटेड ना हो, बट जितना भी जो इनिशियल लेवल का फॉर्मूला होगा वो सभी रिलेटेड होगा। अब देखो जैसे इसमें कुछ टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म तो हटा लीजिए, इसको हम हटा ही देते हैं। द टर्म इज स्टैटिस्टिक, स्टैटिक। स्टैटिक टर्म किसके लिए आता है? जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। मैकेनिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट जो भी होगा आइदर इन मोशन और इन रेस्ट। तो स्टैटिक आता है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। डायनामिक आता है ऑब्जेक्ट जिसमें मोशन में हो। तो यहाँ पे देखो, इट डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट व्हाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज ऑन रेस्ट। कोई भी बॉडी रखा हुआ है और हिल नहीं रहा है, एकदम फिक्स पोजीशन पे, जैसे बेंच टेबल आपके घर का, जो भी फर्नीचर रखा है, जो भी है जो मूव नहीं कर रहा है, तो वो स्टैटिक पोजिशन में है। और डायनामिक्स पोजिशन, डायनामिक या डायनेटिक्स दोनों टर्म बोलो, तो उसमें क्या होता है, जो मोशन में है कुछ भी मूव कर रहा है, जैसे गाड़ी चला रहे हैं वो मूवमेंट है, साइकिलिंग कर रहे हैं वो मूवमेंट है। फोर्स मतलब आप किसी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर इम्पोज कर रहे हैं और बॉडी रेस्ट से मूवमेंट में आ जाती है, इन दैट केस वो हो जाता है डायनामिक या डायनेटिक। ठीक है ना, जिसका हम लोग लास्ट क्लास में ये भी बहुत सारा कुछ पढ़े थे कि अलग अलग बॉडीज पे फोर्सेस जब अलग अलग एक्ट करता है तो उसका क्या पोजीशन होगा, रिजल्टेंट फोर्स, जो कि हम लास्ट क्लास में बताए थे और जो एक इम्पोर्टेंट लॉ है। अगर उसका बैकग्राउंड देखना चाहो तो यही है, देखिए फिर ये ट्रायंगल लॉ। हाँ, सो अब देखो, इट डील्स विद द बॉडीज ड्यू टू मोशन, जो कि है ये मोशन कब होगा, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तब। इंटरनल फोर्स का बात नहीं कर रहा है। अब कोई भी रिजिड बॉडी है जिस पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो दो केस होता है, या तो उस फोर्स से उसका डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट होता है या तो वो मूवमेंट नहीं होता। बहुत ही इनिशियल लेवल पे हम लोग शुरुआत में पढ़े होंगे, अगर जिनका भी साइंस हो, उसमें ये कहा जाता है अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी रेस्ट से मूव करने लगती है तो आप वर्क कर रहे हो, वर्क डन पॉसिबल है। अगर वो वर्क नहीं होता, नहीं होता मतलब आप डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, फोर्स कितना भी लगा रहे हैं, वो मान लो एक पूरा घर है, हाँ, अगर पूरा बिल्डिंग ही में आप फोर्स लगा रहे हो, हिला रहे हो, तो फोर्स बहुत ज्यादा लगा रहे हैं बट मूवमेंट नहीं हो रहा है, इन दैट केस वर्क डन इज जीरो। सो वही चीज, ये चीज यहाँ दिमाग में रखना है। तो फोर्स जब अप्लाई कर रहे हो तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कुछ हो तभी वर्क डन आता है। वर्कडन आप कितना भी फोर्स लगाए, कुछ भी कर रहे हैं तो वर्कडन जीरो है, अगर नहीं हिल रहा है तो, अगर मूवमेंट हुआ तो ठीक है। और यहाँ पे है तो फोर्स, तो अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, वर्कडन से तो कुछ खास मतलब है नहीं हम लोगों को, हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस जो कि मैकेनिक्स पे वर्क करने वाला है वो देखना है। तो फोर्स कभी भी किसी भी सिस्टम पे, एक चीज देख लीजिए, कभी भी रेफरेंस पॉइंट जो होगा उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि उस पर कितने नंबर ऑफ फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। ये चीज बहुत ब्रॉडर सेंस में बोला जाता है। जैसे आप घर में बैठे हैं तो आपका रेफरेंस पॉइंट अपने मेजरमेंट का क्या लोगोगे, इतना हाइट, इतना वेट है घर का, उसमें आप इस पर्टिकुलर पोजिशन पे हैं, तो आपका रेफरेंस पॉइंट सिर्फ उस घर का जो शेप है वो हो जाता है। मतलब आपके पास जो फोर्स आप पे लग रहा है उस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से कुछ ऐसा हो रहा है। या फिर इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दो ऑब्जेक्ट है और उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच हमेशा फोर्स एक्ट करता है, और वो फोर्स एक्ट करता है, और वो फोर्स अगर मान लो एक्ट करता है और उस वो रिजल्ट उसी पोजीशन में रह जाता है, तो ये बोलते हैं कि फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम में है। मान लो कोई, ये एक जो ये गेम कभी खेला है,
रस्सी खींचने वाला, एक तरफ से पूरा ग्रुप रस्सी खींच रहा है, दूसरी तरफ से पूरा ग्रुप रस्सी खींच रहा है, तो कभी भी अगर आप उधर से अपोजिट साइड से जितना खींच रहे हो इधर से खींच रहे हो, इक्वल फोर्स, मतलब आप इधर से जितना खींच रहे हो उतना ही अपोजिट वाला है, उस केस में बैलेंस हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा किसी को कोई खींच नहीं रहा है। इन दैट केस हम फोर्स को बोलते हैं इक्विलिब्रियम फोर्स है, मतलब उस केस में फोर्स का इफेक्ट नहीं दिखेगा ऑन द मूवमेंट ऑफ दैट बॉडी। अगर बॉडी मूव कर जाती है तो कोई एक फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब तो मैं हमेशा तो फोर्स एक्सटर्नली होगा, इंटरनल फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स का यहाँ डील नहीं करने की जरूरत है, बट होता है जो की पोटेंशियल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। इंटरनल फोर्स मान लीजिए, इंटरनल फोर्स हो सकता है हम यहाँ से उठना चाह रहे हैं बट उठ नहीं पा रहे हैं, तो कोई इंटरनल फोर्स, हाँ तो वही चीज है, तो वर्क कर रहा है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो यहाँ जो हम लोग बात करते हैं ना वो एक्सटर्नल फोर्स की ही बात करते हैं, इंटरनल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। मैकेनिक्स में जो भी बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, और एक्सटर्नल फोर्स अगर रिजिड बॉडी पे लगाया जा रहा है तो मूवमेंट हो रहा है, तो फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है दैट मीन्स देयर इज एन इक्विलिब्रियम पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स जो है, अच्छा मेरा पॉइंट ये था, फोर्स जो डील करते हैं हम लोग वो फोर्स होता है कि किस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं। मैंने कहा जब भी आप मूव कर रहे हैं एक ही बार एक इंसान पे बहुत सारा फोर्स लग सकता है। मैंने कहा इस टेबल पे यहाँ पे दिख रहा है फोर्स नहीं लग रहा है, बट इस पे फोर्स लग रहा है और पूरे यूनिवर्स का बहुत सारा फोर्स लग रहा है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखो। जैसे मान लो इस चीज को इस तरह से समझ सकते हो, फिजिक्स में एक चीज बहुत अच्छा है, अगर आप रेफरेंस अच्छा लेते हैं ना तो ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ जाता है। मैं इससे मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, अगर लोकेशन आपको बताना है ऑफ दिस कॉलेज, कुछ रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, कुर्जी से यहाँ है, कोका कोला फैक्ट्री का रेफरेंस ले लो, अटल पथ का रेफरेंस ले लो, गांधी सेतु पुल का रेफरेंस ले लो। तो इस पर्टिकुलर तरह से आप जैसे जैसे रेफरेंस लेंगे अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, और ये चीज मैंने बताया हर ऑब्जेक्ट पे फोर्स एग्जर्ट करता है भले ही वो विजिबल ना हो। एक तो फोर्स हमेशा लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो आपका लग ही रहा है, उसके बाद आप और वहां गौरव बैठे हैं इसमें भी फोर्स है, ये नहीं मासेस कम है या फिर दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला रहा है। तो जहां बहुत सारे फोर्सेस होते हैं वहां हम सिस्टम ऑफ फोर्स की बात करते हैं, जो कि ये पॉइंट है। और फोर्स क्या है कोई बता सकता है? फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स, हाँ कोई भी एक्सटर्नल जो आप लगा रहे हैं वो टर्म आ गया फोर्स में, जो कि यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसको अगर लगता है कि नोट करना है तो कर लो या फिर ये शेयर कर ही देंगे। हाँ इसमें ये दोबारा से दे देंगे, लैंग्वेज है उसमें कम है। अब देखो सिस्टम ऑफ फोर्स कब आएगा, जब बहुत सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम पे। तो इसमें कोप्लैनर फोर्सेस, कोलिनियर फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस, कोप्लैनर कंकरेंट फोर्सेस, कोप्लैनर नॉन कंकरेंट, ये सब सारा फोर्सेस का टाइप है। इसमें सबको पढ़ना बहुत ज्यादा डिटेल में जरूरी नहीं है, बट मैक्सिमम को समझना है यहाँ पे कैसा फोर्सेस आ रहा है। जब देखो द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई इन द सेम प्लेन, एक्स एक्सिस पे अगर है ऑब्जेक्ट और एक्स एक्सिस की तरफ से ही फोर्स लग रहा है तो आपको प्लानर फोर्सेस बोलेंगे। मतलब एक एग्जाम्पल मैंने ग्राफ में बताया था लास्ट डे कि अगर एक ऑब्जेक्ट हो, लास्ट डे बताया था कि मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस एक सेम प्लेन में लग रहा है ना फोर्स। अगर इस तरह का फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है मिडिल पे, मिडिल वाले ऑब्जेक्ट पे, इधर से ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उधर से ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो इन दैट केस हम इसको बोलेंगे कोप्लैनर, मतलब एक ही प्लेन में वर्क कर रहा है। अगर ये इधर आ जाता है तो कोप्लैनर नहीं है, बिकॉज ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कोप्लैनर में सेम प्लेन मीन्स एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस। ठीक है, सो कोप्लैनर फोर्सेस में ये बता रहा है व्हेन फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम प्लेन। अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। देखो जो ऑब्जेक्ट है ऐसा मान सकते हैं ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, और हम कभी भी फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट है
दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, थर्ड ऑब्जेक्ट ये है, तो इस ऑब्जेक्ट के कंडीशन पे इधर से इसका भी फोर्स लग रहा है और इधर से इसका भी फोर्स लग रहा है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से ये बैठा है। इस फोर्स को सिर्फ जरूरी नहीं है फिजिकल फोर्स ही आप अप्लाई करिए, जैसे आप बैठे हैं, आपके फ्रेंड बैठे हैं, वहां आपके फादर बैठे हैं, हो सकता है वहां पे डायरेक्टर से बैठे हैं, सपोज प्रिंसिपल बैठे हैं मान लीजिए, तो उनका इम्पैक्ट बाकी पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली, उसकी वजह से जो एक्शन रिएक्शन है कहीं ना कहीं अफेक्ट करे। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है इमोशनल कंटेंट वाला फोर्स, यहाँ पे ये है कि ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उस पे फोर्स उतना ज्यादा वो फोर्स किसी और पे एग्जर्ट करेगा। अगर ये खुद बहुत लार्जर है तो इस पे जो स्मॉलर फोर्स एग्जर्ट करोगे तो उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि हम लास्ट क्लास में बताए थे ऑनलाइन में। कितने लोग थे इसमें जो लास्ट क्लास में थे, हैंड रेज करो तो। कोमल, बस बहुत लोग थे, किशन ठीक है, बस बाकी लोग गायब, शंकर, हाँ शंकर भी थे, राजनंदनी भी तो शायद थी, नहीं चलो जो भी। तो इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट पे ये चीज एक यूनिवर्सल लॉ है जो मैंने बताया था, उसमें पूरे वर्ल्ड का पूरे यूनिवर्स का दो ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें हमेशा फोर्स लगेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी टू ऑब्जेक्ट की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो यहाँ पे तो फोर्स जो भी ग्रेविटेशनल, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट डाल देते हैं इसलिए बोल रहे हो ना, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, यहाँ पे कुछ वर्क रखा वहां रखा तो क्या उस पर वर्क नहीं करेगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करेगा और इन दोनों का भी फोर्स वर्क करेगा। तो मैम ये तो मैम थ्योरी है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसमें ये आ जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वर्ल्ड हमेशा खींचेगा कुछ भी उसमें, और वो जो ऑब्जेक्ट का जो इंटेंसिटी ऑफ फोर्स होगा द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये चीज तो फिक्स है कि कहीं भी फोर्स होगा तो एग्जर्ट होगा ही, तो इसी इस फोर्स को इसमें से रिमूव नहीं किया जाता, सिस्टम ऑफ फोर्सेस में वो भी इन्वॉल्व है। और सिस्टम ऑफ फोर्सेस मीन्स वी आर नॉट डीलिंग विद अ सिंगल फोर्स, वी आर डीलिंग विद मोर देन टू फोर्सेस, वन फोर्सेस मोर देन टू फोर्सेस। टू तो टर्म रहेगा ही, टू मास रहेगा, टू ऑब्जेक्ट्स है तो उसके बीच एक सिंगल फोर्स लगेगा, ठीक है, और थर्ड ऑब्जेक्ट है तो थर्ड आएगा उस पे फोर्स इंप्लीमेंट होगा, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस में मोर देन वन फोर्सेस इंप्लीमेंट होंगे। तो वही जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो लिखा है ना, देखो व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, सो दो से ज्यादा और दो, तब हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। कोप्लेनर फोर्स तब बोलते हैं व्हेन एक्ट इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन मीन्स एक्स प्लेन, तो एक्स प्लेन से ही फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है, वाई प्लेन तो वाई प्लेन से ही फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है, एक्स वाई जब दोनों से कर लिया जाएगा तब वो कोप्लैनर नहीं होगा। नेक्स्ट में देखिए, द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर फोर्सेस। यहाँ पे सेम प्लेन और सेम लाइन की बात कर रहे हैं, प्लेन और लाइन में क्या डिफरेंस हो सकता है, एक ही टर्म, एक ही लाइन में, एक लाइन में मतलब इक्वल कंडीशन में हो इस तरह से रखा हो, एक्सिस सेम की बात नहीं कर रहे हैं, इक्वल कंडीशन में मतलब यहाँ पे ये रखा है एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे, तो लाइन में आ जाए, सेम प्लेन में बोल रहा है मैम, तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस, और सेम लाइन कहने का मतलब तो फिर एक्स और वाई दोनों में ना होगा, सेम लाइन की बात कर रहा है, तो लाइन तो टर्म प्लेन के लिए आता है, लाइन तो मैम फिर अंतर क्या रहा, आप बोल रहे हैं प्लेन में भी एक ही लाइन होगा, लीनियर वाले में भी एक ही लाइन होगा। देखो प्लेन वर्ड जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्स और वाई एग्जैक्ट टर्म दे रहे हैं, यहाँ पे दो टर्म की बात कर रहे हैं, फोर्सेस हमेशा दो तरह का होगा, एक देखो जब हम प्लेन टर्म ले रहे हैं तो आपको एक लाइन में, एक मिनट, एक लाइन में ये ले रहे हैं, देखो जब डिफरेंट प्लेन की बात कर रहे हो ये ऐसे एक ही लाइन पे ये ऑब्जेक्ट है, इस तरह से जो रस्सी वाला केस है वो आ जा रहा है। अब यहाँ पे अगर डिफरेंट लाइन में है, मान लो यहीं पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक फोर्स ऑपरेट होगा इस तरह का होगा, इस इन दोनों ऑब्जेक्ट की बात करें, एक फोर्स ऑपरेट होगा इस तरह से होगा, और एक ऑपरेट होगा इन दोनों के इंटर, ये इस तरह से सीक्वेंस में ऐसे जो जा रहा है, ये यहाँ पे ऑपरेशन ये हो सकता है, जैसे देखो
फिजिक्स का जो लॉ है ना, बहुत सारा मेटेरियल्स यहाँ भी होगा, जैसे यहाँ भी पढ़ा है कुछ, यहाँ भी पढ़ा है कुछ, यहाँ भी कुछ पढ़ा है, इस तरह से जा रहा है। कोलिनियर वर्ड याद है क्या होता है? सेम लाइन पे लाई करता है, तो सेम लाइन पे लाई करता है तो क्या होता है? सिंपल स्ट्रेट लाइन पे ही आता है ना। प्लेन में टू डायमेंशन होगा, एक मिनट, प्लेनर था ना, को प्लानर, सेम प्लेन पे बात कर रहा है ना, प्लेन में की बात कर रहा है, तब दो डायमेंशन आएगा। कोलिनियर में सिंगल लाइन में आएगा, ठीक है? कोलिनियर में सिंगल लाइन, जो आप शायद मैथमेटिक्स में एक लाइन पढ़े होंगे स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए कि थ्री पॉइंट्स ऑफ अ लाइन इज कोलिनियर। सो कोलिनियर होता था तो क्या करते थे, एक ही लाइन में आता था। सो एक लाइन एक्स वाई लाइन, सिंपली लाइन एक्स एक्सिस। को प्लानर में सेम प्लेन, एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे, जेड एक्स प्लेन की बात नहीं करेंगे, सेम प्लेन आएगा, इसमें सेम लाइन आएगा, ठीक है? कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस में ये आता है, अलग अलग फोर्स है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे वर्क कर रही है। देखो, द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट आर नोन एज कंकरेंट फोर्स। इस कंकरेंट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये जो लॉ था वो आ रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। जैसे इस केस में, एक मिनट, जो पैरेललोग्राम लॉ था, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस फोर्स का क्या इंपैक्ट है, इसका क्या इंपैक्ट है, अलग अलग फोर्सेस है। तो कंकरेंट फोर्स में अलग अलग फोर्सेस का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और भी ऑब्जेक्ट ले लो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, इस ऑब्जेक्ट का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या फोर्स है, तो कंकरेंट फोर्स हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है? कोप्लानर प्लेन की बात कर रहा है, इसे ध्यान में रखना, प्लेन की, सेम प्लेन, सेम प्लेन मीन्स एक्स वाई प्लेन, एजेड एक्स प्लेन, इस तरह का होगा। अब कोप्लानर और कंकरेंट, कंकरेंट फोर्स क्या था, डिफरेंट फोर्सेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क कर रहा है, और कोप्लानर एक सेम प्लेन की बात कर रहा है, तो सेम प्लेन भी हो जाए और सेम पॉइंट की बात करें तब वो कंकरेंट हो जाएगा, जो कि हम लोग पढ़ते हैं, इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। को प्लानर और नॉन कंकरेंट, इसी का जस्ट अपोजिट ले लो, सेम प्लेन में तो है बट सिंगल पॉइंट पे वर्क कर रहा है, इसका हम लोग डील नहीं कर रहे, ठीक है? कंकरेंट मीन सेम पॉइंट पे डील कर रहे हैं, नॉन कंकरेंट मीन सेम पॉइंट पे नहीं होगा बट प्लेन सेम है। सिमिलरली उसी का जस्ट अपोजिट, तो इतना मेरा एक चीज का जरूरत इंपॉर्टेंट उतना नहीं है आपके लिए। इसका टर्म्स सिर्फ जानना है क्या, प्लेन कोलिनियर कोप्लानर, जो सिस्टम ऑफ कोप्लानर कोलिनियर है, आ गया, बस उतना ही है। हाँ, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, ये हम लोग लास्ट क्लास में डील कर रहे थे, जिसमें नहीं थे तुम। फोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो न्यूटन 10 यूनिट का फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का, 100,000 जो भी न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आप फोर्स तो लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, कितना लगा रहे हैं, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट फोर्स, उस पर डिपेंड करेगा द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव और नॉट, ठीक है? ये पॉइंट है, कितना फोर्स लग रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है। मान लो कोई मकान तुम हिलाना शुरू कर रहे हो तो क्या होगा, कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहे हो, वो डिपेंड करता है, वर्क डन हुआ या नहीं हुआ वो बाद की बात है, लेकिन आप मूवमेंट करने के लिए जो फोर्स इम्पोज कर रहे हैं उसका जो क्वांटिटी है, मेजरमेंट करके जो आप बताते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड, ठीक है? और डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स क्या है वो, अगर मान लो मुझे दीवार को उठाना है, क्या करेंगे, इधर से इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड लगा सकते हैं, डाउनवर्ड टू अपवर्ड लगा सकते हैं, यही ऑप्शन है। उसमें भी अगर हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड अगर फोर्स लगाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड लगाते हैं, क्योंकि छत सपोज तोड़ना है तो अगर हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वर्क करेगा और आप जो फोर्स लगा रहे हैं उस पर अपोजिट टर्म में वर्क करेगा, तो यहाँ पे तोड़ना आसान हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ वर्क फोर्स अगर कम भी हो तो आपका वर्क डन हो जाएगा, ये चीज समझना है। दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, और आप ऊपर से जो तोड़ रहे हो तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और नीचे से तोड़ रहे हो तो क्या लग रहा है, आप इधर से फोर्स लगा रहे हो और उधर से गिरने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है,
तो एक फोर्स को दूसरा फोर्स न्यूट्रलाइज कर रहा है, 100% को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है बट टू सम एक्सटेंट वो न्यूट्रलाइज कर रहा है ना। तो वो चीज अब देखो पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो कि हमको बताएगा कितना फोर्स लग रहा है क्या है, यूनिट में मेजरमेंट में बता देगा 10-50 जो भी है, केजी के टर्म में जैसे लेते हो वैसे ले लो, 10 kg 50 kg वैसे ही ऑप्शन है, 100 newton 50 newton 20 newton इस तरह। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जैसे भी जस्ट बताया अपवर्ड डायरेक्शन में नीचे उतर रहे हैं ऐसे लगा लीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो भी फोर्स का डायरेक्शन क्या है ये मैटर करता है। थर्ड है नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स है पुश पुल, जैसे पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, सपोज आपको खींचना है दरवाजा खोलना है या क्या करेंगे, पुल फैक्टर काम करेगा, बाहर से ओपन करो पुश फैक्टर काम करेगा, तो नेचर ऑफ द फोर्स जो है पुश और पुल फैक्टर जो भी है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो आप ये चीज कभी नोटिस किए हैं, पुल फैक्टर में ज्यादा फोर्स इम्पोज करना पड़ता है, फिजिक्स का सिंपल सा टर्म्स है, पुल करोगे तो उसको खींचना है, ज्यादा फोर्सफुली खींचना पड़ता है, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा इंटेंसिटी और वर्क कहीं ना कहीं हो रहा है, वर्क फोर्स ज्यादा लग रहा है, और जब पुश करोगे तो क्या होता है कम वर्क में, कम मतलब कम फोर्स में काम हो जाता है क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेचर ऑफ द फोर्स भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो फोर्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये सारे टर्म्स पढ़ेंगे, और ये द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं। अब कभी भी दरवाजा खोलने की कोशिश करिएगा आप टॉप मोस्ट पॉइंट से, नहीं खुलेगा, खुल जाएगा बट जल्दी नहीं खुलेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड पॉइंट से खोलो मुश्किल है, सपोज उस पॉइंट से इधर से दरवाजा खुलता है उधर से फोर्स लगाओ, बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स किस पॉइंट पे लगाना है ये भी कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा, तो फिर वो चीज भी है। तो फोर्स में जब भी आपको स्टडी करना है तो आपको ये चीज दिमाग में होना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स एंड पॉइंट एट विच द फोर्स इज वर्किंग। हाँ तो वो पहले से डिजाइन है उसमें में कि आपको किस तरह का फैक्टर, पुल फैक्टर या पुश फैक्टर, हाँ टॉर्क दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट सर्कुलर हो रहा है, वो सब तो खैर उसको पढ़ना ही नहीं है सर। चलो देखो क्या है इफेक्ट, फोर्स का इफेक्ट क्या आएगा, पहला इफेक्ट क्या है, बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो मूवमेंट, मूवमेंट में है तो रेस्ट, जैसे ब्रेक लगाते हो मूवमेंट में है तो ब्रेक भी क्या है काइंड ऑफ फोर्स है जिससे बॉडी मोशन से रेस्ट में आ जाती है, तो यही चीज है इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, इट मे चेंज द मोशन ऑफ बॉडी, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में होगा, मोशन में है तो रेस्ट में होगा, बात खत्म है। नेक्स्ट इट मे रिटार्ड द मोशन, वही कम करने वाला केस है, इंक्रीज कर देगा दूसरे में रेस्ट कर देगा, इसके बाद क्या है दस ब्रिंगिंग रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम, ये भी है अगर डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस किसी पे काम करता है तो फोर्स जब न्यूट्रलाइज हो जाता है तो इक्विलिब्रियम पोजिशन आ जाता है, जैसे आप अगर सिटिंग पोजिशन पे हैं दैट मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं या फिर जो भी आप पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस अलग अलग पोजिशन पे वर्क कर रहा है वो सब इक्विलिब्रियम पोजिशन में है तो आप यहाँ से मूव नहीं कर रहे हैं, अगर दूसरा फोर्स आप पे वर्क करना शुरू कर देगा तो आप इक्विलिब्रियम पोजिशन से हट जाएंगे, दैट मीन्स मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजिशन ये है, ये सिचुएशन है एक ढंग से जहां बहुत सारा फोर्सेस आप पे वर्क कर रहा है बट सारा का सारा फोर्स जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क के न्यूट्रलाइज कर दे रहा है दूसरे के फोर्स को, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है। जब सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब बहुत सारा फोर्स आप पे वर्क कर रहा है और सबका इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है, मतलब सब एक का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज पोजिशन है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल जो पोजीशन होता है दैट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां बहुत सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं लेकिन जैसे इसको ये सिंपल वही चीज था जो रस्सी खींचने वाला था, अलग अलग साइज से खींचा जा रहा है और वो एक ही पोजीशन पे वैसे ही पड़ा हुआ है, दैट मींस वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। सो इट मे बी इंटरनल स्ट्रेस ऑफ द बॉडी, और ये भी है इट मे बी जो भी है उसमें चेंजेस आएगा, जैसे बहुत सारा काम कर रहे हैं बहुत फोर्स लगा रहे हैं तो आप थक चुके हैं पूरे लेकिन मूवमेंट नहीं हुआ,
तो ये भी एक इफेक्ट है फोर्स का, जो आप बहुत फोर्स लगा रहे हो, कितना फोर्स लगा के पूरे बिल्डिंग को घुमा रहे हो, पहाड़ तोड़ रहे हो, जो भी तो खेल रहे हो, सपोज उसको मूवमेंट नहीं हुआ लेकिन इंटरनल इफेक्ट आपके बॉडी पे आया है, तो ये भी एक काइंड ऑफ फोर्स है जिसको हम बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करते, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फोर्स दिखता नहीं है। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला जो है और एक ये दोनों केस में फोर्स लगाने से हमारे बॉडी के अंदर वर्कआउट हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा। इंटरनल इंटरनल इफेक्ट आएगा, इंटरनल इफेक्ट आएगा जो लिखा है ना, इफेक्ट ऑफ फोर्स में आ रहा है ना, इट मे बी गिव द इंटरनल स्ट्रेस टू द बॉडी बट उसका वर्कआउट इफेक्ट नहीं दिखता जो हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो खैर प्रिंसिपल ऑफ सुपरस्टिशन, ये एक चीज समझ लीजिए क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरस्टिशन, क्या बताता है सुपरपोजिशन, क्या बताता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर रिजल्ट बॉडी इज द सम ऑफ इफेक्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। एक पर्टिकुलर, हाँ, जो अभी सर ये लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे, किसी एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फोर्स वर्क कर रहा है तो उसको हम सारे फोर्स को ऐड कर देंगे, वही उसके बॉडी पे वर्क करने वाले सारे फोर्सेस का इफेक्ट होगा, सबको ऐड कर दिया जाएगा, जो भी क्या बोला जाए इफेक्ट ऑफ फोर्स है। एक इंसान कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ, थर्ड कुछ, ऐसा ऐसा अलग अलग इफेक्ट आ रहा है आप पे, और सबका जो टोटल सम है वो फोर्स आप पे एग्जर्ट किया जा रहा है। यही इसी के बेसिस पे, यही जो प्रिंसिपल है बेसिक फिजिक्स का, जो प्रिंसिपल है फोर्स का वो यही है, इसी से सारा का सारा जो भी है वो कहीं ना कहीं डिराइव हुआ है। ठीक है, सो अब देखो एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ फोर्स, ये तो हम लोगों को न्यूटन्स का लॉ शुरुआत से पता है। अगर बॉडी रेस्ट, क्या लॉ याद है जरा? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये है एक और रेस्ट, इवन एन ऑब्जेक्ट विल स्टे इन रेस्ट इफ इट इज बीइंग अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। और सेकंड वाला तो मैम एक्सेलरेशन से रिलेटेड था। हां, इट इज द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। कौन सा एक्शन, एक्शन और रिएक्शन? एक्सेलरेशन वाला लैंग्वेज में मैथमेटिकली समझो ना, अगर कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं तो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या टर्म आता है? एक्सेलरेशन और फोर्स जो एग्जर्ट किया जा रहा है उसका जो प्रोडक्ट है उसी के वैल्यूज को बताता है वो। ठीक है, एक्शन रिएक्शन तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो आपका इन तीनों लॉ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। हम लोगों को जो अब पढ़ना है वो ये है कि अलग अलग फोर्स वर्क कर रहा है, वो जो सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन वाला ये जो प्रिंसिपल है ना, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, हम लोगों को वो डिराइव करना है। कोप्लैनर फोर्सेस, अलग अलग फोर्स, अलग अलग डायमेंशन से हमें फोर्स मिल रहा है, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर रिजिड बॉडी पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो टर्म बताना है बस। ठीक है, तो रिजोल्यूशन, हाँ एक चीज ये भी है, जितना भी फोर्स है उन सब का इम्पैक्ट, म्यूचुअल इम्पैक्ट जो कि रिजोल्यूशन के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है वो आता है। इसको बेटर समझने के लिए जो हम बताए थे कंपोजिशन बेटर ऑप्शन था, ये डिराइव करके हम लास्ट डे बताए थे शायद, हाँ मैं पढ़ लिया पहले, जो पैरेललोग्राम लॉ पर था जिसमें एक ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है, दूसरे पे दूसरा फोर्स, मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट था, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोर्स एग्जर्ट किया जाता है तो उसका F1 F2 पैरेललोग्राम जेनरेट किया जाता है, और जिसमें एग्जर्ट करने के लिए, जैसे देख लो एक चीज, बस बेसिक चीज हम यहाँ बता दे रहे हैं जो पढ़ा हुआ भी होगा। देखो तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, जो ऑब्जेक्ट या प्लेन के टर्म में एक ऑब्जेक्ट इधर मान लो, एक ऑब्जेक्ट इधर, अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स वर्क कर रहा है या इधर भी वर्क कर रहा है। ठीक है, जिसको इसको ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं है, सिंपली लाइन के टर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट इधर फोर्स इधर एग्जर्ट किया जा रहा है और एक फोर्स इधर आ रहा है, ऐसा हो सकता है। अब इन दोनों फोर्स का इम्पैक्ट देखना है क्या आ रहा है, तो जब
इन दोनों का, हाँ इन दोनों का जो इम्पैक्ट होगा, तो एक देखो यहाँ पे इसका लॉजिक ये भी है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो फोर्स है, ये जो टर्म है, ये ज्यादा गैप है ना, तो फोर्स कभी भी इन दोनों के मिड का फोर्स इधर जाने के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब रिजल्ट उस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये एंगल एक बड़ा सा एंगल है और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, शॉर्ट एंगल है। तो यहाँ पे फोर्स जो होगा वो इधर जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कहने का मतलब ये है, जो फोर्स इधर से लग रहा था और जो फोर्स इधर से लग रहा था, उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इधर आ जा रहा है, ठीक है। अब इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इधर आ जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्यों? अभी लॉ ऑफ सुपरपोजिशन वाला जो केस था उसमें क्या कहा जाता था, एक फोर्स आप इधर लगा रहे हो, मान लो इक्वल फोर्स ही लगा रहे हैं, सपोज दिस इज एफ वन एंड दिस इज अगेन एफ वन, दो अलग अलग फोर्स है और इस तरह के डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, ठीक है। एक फोर्स इधर से खींच रहा है, एक फोर्स इधर से खींच रहा है, दो अलग अलग फोर्स है। अब इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा क्या होगा, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या बता रहा है कि इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है दोनों का सम होता है वो रिजल्टेंट होता है। तो ये जो रिजल्ट होगा, दिस इज द सम ऑफ दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स। इस फोर्स के बेटर्म में यहाँ पे एंगल भी हो जाएगा। अब हम लोगों ने जो टर्म पढ़ा था, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, दैट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो बोला गया ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है दोनों को जोड़ दो, काम खत्म। लेकिन हो सकता है ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ इक्वल है तब ये हो सकता है, लेकिन हो सकता है इधर तरफ से जो फोर्स लगाया जा रहा है वो ज्यादा हो और इधर से जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कम हो। तो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल तो नहीं बनेगा, है बनेगा अगर इक्वल फोर्स है तो वो 45 डिग्री बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो वो 45 डिग्री तो नहीं बनेगा। अगर वो 45 डिग्री नहीं होगा तो मतलब ये फोर्स ज्यादा है तो इसकी तरफ ये ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा लाइक ऐसे, जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये बस समझना इसी चीज को, जो डिराइव करके बताया जा सकता है, जो डिराइव करके हम बताए थे लास्ट डे, इसका रिजल्ट होता है और ये जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये शिफ्ट हो जा रहा है, यहाँ पे लॉजिक यही था बताने का, ये डायरेक्शन इधर शिफ्ट हो जाए तो ये एंगल तो छोटा सा हो गया, इधर का एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये डायरेक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ये चीज समझने के लिए। यहाँ पे कॉस थीटा और जो ये टर्म आ रहा है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो रिजल्ट फोर्स अगर दो वैल्यूज है और दो अलग अलग फोर्स का इंपैक्ट किसी एक बॉडी पे आ रहा है, देन द रिजल्टेंट फोर्सेस आर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा होगा। cos थीटा जो एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट और वो टर्म आएगा, ये आ जाएगा, तो ये बताएगा कितना फोर्स इंप्लीमेंट हो रहा है ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट पे, दो अलग अलग फोर्स है तब। और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि डायरेक्शन बताएगा, उस वो फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, उसको हम टैन थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, टैन थीटा टैन अल्फा जो लेना है, दैट इज F2 साइन बाय F1 प्लस F2, ठीक है। ये टर्म आपको डिराइवेशन करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है तो आप इस चीज को ध्यान में रखो कैसे बना है, बस ये याद रखना है। अब ये एंगल यहाँ पे देखो, थीटा जो एंगल है वो क्या है, एंगल बिटवीन द F1 एंड F2, डिफरेंट टाइप ऑफ जो फोर्सेस है उस फोर्स का एंगल है, ये चीज भी ध्यान रखना होगा। अल्फा क्या एंगल है, थीटा क्या एंगल है, वो चीज देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका देखो एक एग्जांपल है, स्क्रीन विजिबल है ना, क्लियरली दिखता है अब, ठीक है। चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल को देखो, क्या है, टू फोर्सेस, एक 10 न्यूटन सॉरी 100 न्यूटन का और 150 न्यूटन का है, वो simultaneously means एक साथ काम कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट अ पॉइंट। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, जो भी फोर्स है उसका रिजल्टेंट क्या होगा, बट इफ द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, मतलब जो फोर्सेस है वो उसका एंगल कितना है, 45 डिग्री का फोर्सेस का एंगल, ये चीज ध्यान रखना। फोर्सेस का एंगल अलग होगा, रिजल्टेंट टू सम फोर्स का एंगल अलग होगा, समझ रहे हो, नहीं, हाँ या ना,
हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फोर्स है, फर्स्ट फोर्स मान लीजिए 100 न्यूटन का, सेकंड दोनों फोर्स के बीच का एंगल है, फोर्स के बीच का एंगल, दोनों फोर्स के बीच, हाँ दोनों फोर्स के बीच का एंगल, रिजल्टेंट फोर्स का एंगल नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स का एंगल आप अलग से निकालेंगे, वो डायरेक्शन बताएगा, यही चीज यहाँ समझना था, ठीक है, जो हम बाद में आपको रुक के दोबारा बताया, जो फोर्स यहाँ पे इस फॉर्मूला में जो फोर्स है ना cos थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, जो भी दो फोर्स था उसका एंगल, जो कि यहाँ पे लिखा है एंगल बिटवीन देम इज 45, टू रिजल्टेंट फोर्स, टू जो फोर्सेस है उसका एंगल, सो एफ वन का 100 है, 150 है, तो 100 का स्क्वायर 150 का स्क्वायर, टू एफ वन एफ टू, टू इंटू 100 इंटू 150 एंड 45 डिग्री, cos 45 का वैल्यू पता है 1/√2 होता है, जिसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा है ये, तो ये 232 न्यूटन का फोर्स जो कि रिजल्टेंट फोर्स है, तो ये सिंपल फॉर्मूला पे कैलकुलेशन भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसमें एंगल बिटवीन देम ये बता दिया है व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, इसमें डायरेक्शन नहीं बताएगा, चलो इस क्वेश्चन में सिंपली ये बताया, डायरेक्शन नहीं बताया, नेक्स्ट में देखो तो जरा डायरेक्शन भी है शायद, हाँ यहाँ पे, हाँ देखिए एक चीज इस में क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस सच दैट दे एक्ट एट राइट एंगल, मतलब यहाँ पे मेंशन क्या कर दिया, क्वेश्चन फॉर्मूला वही है बस 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री होगा तो फॉर्मूला को ध्यान से देखो क्या है, एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर टू एफ वन एफ टू, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो, सो द होल टर्म इज जीरो, सिंपली एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर, इसका डेराइवेशन हम बताए थे कल से, सो ये एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर टोटल रिजल्टेंट दे चुका है, रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन, सो अंडर रूट 10 क्योंकि आर स्क्वायर का वैल्यू होता है, आर का वैल्यू ये होता है ना, आर स्क्वायर का निकालोगे तो आपका अंडर रूट करके चला जाएगा, तो आर अगर स्क्वायर करना है तो दोनों टाइप से स्क्वायर कर दो, फिर रिजल्ट निकालो, सिंप्लीफाई करो, हाँ आर इज इक्वल टू रूट होता है, यहाँ पे वैल्यू क्या दिया, एक मिनट होल्ड, सच दैट दे एक्ट एट राइट एंगल, देयर रिजल्टेंट इज एन, तो आर का वैल्यू, बट एट एंगल एट दिस इज द रिजल्टेंट इज 13 न्यूटन, 13 इंटू, हाँ ठीक है आर दे रहा है ना, तो फॉर्मूला फॉर्मूला को आर स्क्वायर, ठीक है तो अंडर रूट दोनों ही तरफ दिया है ना, इसने स्क्वायर का रूट दिया है, जब एक मिनट होल्ड, आर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट वाला ये अंडर रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा, क्या होगा बताओ, तो हट जाएगा रूट में, आर का वैल्यू दिया है 10 का, तो 10 में 10 इक्वल टू रूट अंडर एफ1 स्क्वायर का सब कुछ करना होगा, आर स्क्वायर एफ1 एफ2 इफ ओवरऑल का स्क्वायर है ना, तो इधर तो टर्म रहेगा ही ना, एफ1 स्क्वायर आर बराबर, तो आर ठीक है, r इज इक्वल टू इतना वैल्यू है, तो रिजल्टेंट r है, तो r के टर्म में वो r स्क्वायर के टर्म में रिजल्टेंट दे रहा है, r दे रहा है, ये क्लियर होगा तब ना, तो टू फोर्सेस द रिजल्टेंट इज r का वैल्यू इतना हो गया, ठीक है, एंगल बिटवीन देम वो r नहीं दे रहा होगा एग्जैक्टली, अंडर रूट रिजल्टेंट दे रहा होगा, क्योंकि रिलेशन के टर्म में डिफाइन करना है ना, the magnitude of their two forces such that they act in a line, ठीक है इसी टर्म में निकालो, क्यों, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको, एक दो अलग अलग केस दे रहा है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे इसका 10 न्यूटन है, और अगर इसका राइट एंगल 60 डिग्री एंगल पे 13 न्यूटन है, ठीक है, अगर हम अंडर रूट करके ले लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लें, तो हमारे पास रिजल्ट तो इस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज दिया है और दोनों ही आर के टर्म में एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि सेपरेटली अगर ये फोर्स पता होता ना तो वो कर लेते, आर का वैल्यू एग्जैक्ट 10 नहीं है और 13 नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक अलग अलग टर्म, दो अलग अलग टर्म दिया है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दिया है, रिजल्टेंट फोर्स टर्म में अगर देगा स्क्वायर के टर्म में एक रिजल्ट आएगा, यही हो रहा है ना, अगर यहाँ पे देखो एक टर्म यहाँ पे देखिएगा, कुछ वैल्यूज है जब हम लोगों को सॉल्व करना रहता है, सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर जब निकालते हो क्या करते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
अलग अलग करके ब्रेक करके निकाल रहे हैं, या फिर यहाँ पे जो r का फॉर्मूला है, अगर हमारे पास r इज इक्वल टू अंडर रूट ये दिया है सब, एक मिनट रुको, हाँ यहाँ पे f1 square प्लस f2 square जो भी है फॉर्मूला तो हमारे पास यही है ना, f1 f2 square जो भी f1 f2 का स्क्वायर, अगर 2 cos थीटा जो भी आ रहा है, तो ये टर्म r के लिए आता है, यही हम लोगों को पता है। या फिर अगर 90 डिग्री है तो ये वाला सेक्शन तो जीरो हो जाएगा। ये r का रिजल्ट इसके टर्म में अगर हम एक्सप्रेस करें, मान लो ये अंडर रूट दे रहे हैं, ये भी अंडर रूट दे रहे हैं, तो इधर रिजल्ट r स्क्वायर का रिजल्ट नहीं आता ना। जो तुम लोग बोल रहे हो वो लाइन सही है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग टर्म में रिलेशन दिया हुआ है, तो वो किसी टर्म का स्क्वायर होगा। एक मिनट वापस आ जाओ, 10 किसी टर्म का स्क्वायर आ रहा है, इतना बताओ, छोड़ो बाकी सारी बात छोड़ो, 10 किसी टर्म का स्क्वायर रिजल्टेंट है, नहीं है, 13 किसी का स्क्वायर रिजल्टेंट है, नहीं आ रहा है, जो फोर्स है ये दोनों फोर्स गिवन नहीं है, अननोन है, F1 भी अननोन फोर्स है, F2 भी अननोन फोर्स है, और क्या एग्जैक्टली है हमें पता ही नहीं है, इस फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर ये वैल्यू हम r को अंडर रूट r टर्म के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें, तो ये अंडर रूट यहाँ पे F1 F2 ये टर्म, हाँ इस टर्म को लाने के लिए ये किया गया है। देखो अगर हम अंडर रूट के टर्म में रिजल्टेंट ले लेते हैं, तो इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का रूट रिमूव कर दे रहे हैं, यहाँ से F1 F2 अलग अलग फोर्स है, जो कि कोई भी टर्म हो स्क्वायर करेंगे तो टोटल 10 का स्क्वायर आना चाहिए, मतलब 100 आना चाहिए, क्योंकि टर्म्स का स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अगर 100 का अंडर रूट, सपोज ये एग्जैक्ट 100 होता, तो 10 रूट अंडर रूट, ये जो 10 न्यूटन है ये एक्सप्रेस अल्टीमेटली तो वही कर रहा है ना, नहीं कर रहा है नहीं समझ में आया, एक मिनट रुको, फर्दर आगे देख लो तो क्लियर हो जाएगा। सिंपली जो टर्म हम लिखते हैं, इन दोनों टर्म को लेने का लॉजिक सिर्फ यही है, यहाँ पे आप F1 square F2 square, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, एक 90 डिग्री वाले टर्म को कैसे लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वाले में 2F1 F2 0.5 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो उसको 0.5 कर दिया, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास F1 square F2 square का ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा ये 10 से, और यहाँ से हमें 10 और 7 का ये टर्म आ जाता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये वैल्यू आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज हमें मिल रहा है फोर्स का वो न्यूटन के टर्म में आ जा रहा है। अगर आप इसको 10 कंसिडर करके चलेंगे, यहाँ पे मान लो आपको अंडर रूट आर का वैल्यू F1 square अंडर रूट करके लेते ये, तो फिर आपको उसको 100 के टर्म में स्क्वायर करोगे तब भी रिजल्ट आ जाएगा, करके देखो, अगर कॉपी है पेन है तो रफ में करके देखो क्या कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार करके देखो क्या आ रहा है, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो बोर्ड पे बताएंगे तो विजिबल नहीं होगा ना, फिर इन लोगों का शेयर करके करके देखो ना, करके देखो एग्जैक्टली क्या आ रहा है। 10 इज इक्वल टू F1 अंडर रूट F1 स्क्वायर ले रहे हैं ना, तो 100 करके देखो क्या आ रहा है, ये कर लेने से आसान हो जा रहा है कैलकुलेशन, बस इतना है, डायरेक्ट वैल्यूज आ जाएगा। जो आप वैल्यूज बोल रहे हैं ना, आर का वैल्यू, आर इज इक्वल टू F1 अंडर रूट F1 plus F2 का स्क्वायर लिखोगे ना, तो 10 इज इक्वल टू अंडर रूट लिखो, फिर 13 इज इक्वल टू अंडर रूट करके लिखो, सिंप्लीफाई करो, बाकी लोग भी ऑनलाइन भी जो लोग हैं करके देखिए क्या कॉम्प्लिकेशन आता है, पता चल जाएगा उससे क्या हो रहा है दिक्कत। Thank you.
जब स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर इसका इसका रूट पूरा हटाओगे ना, तो जब इस रूट को हटाओगे तो यहाँ 10 का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो 100 इक्वल टू 100 इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, यही लिख लेंगे ना, क्योंकि ये तो टर्म तो स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि रूट रिमूव होगा सिंगल टर्म में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं जाएगा वो। रिजल्टेंट इज 40। तो फिर इधर सेकंड इक्वेशन में मैं तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 का करो, देखो क्या आया विनायक को, क्या हम तो दूसरा तरीके से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं सीधा मैं वैल्यू पुट के रिजल्टेंट का 10 रखे हैं तो ये रूट के अंदर ये क्या 2 कैसे आ रहा है, 2f1f2 लिखे ना, 2f1f2 तो वहाँ पे 1 हो जाता है, गड़बड़ है, हाँ 1 करोगे ना 1.5, तो ये जो भी कर रहे हो तो इसमें f1 f2 करके टर्म में रिजल्ट क्या आ रहा है, तो सिंपलीफाई करके निकालने के बाद क्या किया गया है आपने, कहां लास्ट वाले में इक्वेशन फ्रेम किया है करके ये निकाला है, प्लस 4 माइनस 4 देखो क्या आ रहा है, जो आप सिंपलीफाई करेंगे उसी टर्म में करके देखिए ज्यादा अच्छा है, टोटल कितना स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट्स है 19, वैसे भी बन जाएगा, वही चीज हम बताना चाह रहे हैं, बस इससे ये हो रहा है ना कि कैलकुलेशन कम हो रहा है बस और कुछ नहीं, जो कि अब तक हम लोग करते आ रहे थे कैलकुलेशन कम करते आ रहे थे ना, लैपटॉप कहाँ लेके जाएंगे, बहुत बिजी लैपटॉप, वैसे भी करोगे तो आ जाएगा देखो, तो बस ये है कैलकुलेशन कम हो जाता है इसमें, बस इतना ही आता है, F1, F2, तो F1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9, 10, रूट 10 तो आ जा रहा है, सेटिस्फाई कर जा रहा है, 100 लोगे तो उसके टर्म में भी सेटिस्फाई कर जाएगा, बस करके देखना है इसको, ठीक है, दोनों के टर्म में आ जाएगा, इसमें बस इतना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन कम हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है तो हम डायरेक्टली उसको रिजल्टेंट के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो फिर काम खत्म, इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आ रहा है ना, वही बात हम समझाना चाह रहे हैं, समझ में आया, इसीलिए ये टर्म एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स फिर करके देखो इसका क्या है, ठीक है, ये सब लोग हम शेयर कर देंगे, आप लोग करके देखना, और इससे ये एक फायदा उठाइएगा कि जिस भी टर्म्स को पढ़ रहे हो उसका एग्जांपल एक मिल जाएगा, और जो टर्म्स सिलेबस में है सिर्फ और सिर्फ वही टर्म पढ़ना, सबके सब को मत पढ़ना शुरू करना, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है।